रामनवमी का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो वहीं कानपुर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल फतेहपुर से कानपुर के बारा देवी मंदिर आ रहे श्रद्धालुओं से भरा लोडर पलट गया। इस लोडर में लगभग 40 सवारियां बैठी हुई थी। ये सभी श्रद्धालु थे और जवारा लेकर कानपुर के बारा देवी मंदिर जा रहे थे, लेकिन अधिक सवारियों के चलते जो लोडर का ड्राइवर था वो नियंत्रण खो बैठा और लोडर बीच सड़क पर ही पलट गया। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के सनिगवा रोड पर यह हादसा हुआ है, जिसमें लोडर में लमसम 17 लोग घायल हो गए हैं। लोडर में बैठे थे, लोडर के पलटने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल जो राहगीर थे, जो क्षेत्रीय लोग थे, उन्होंने तत्काल प्रभाव से राहत कार्य शुरू कर दिया और घायलों को लोडर के नीचे से निकाल लिया गया। वहीं पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, वहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं 3 लोगों की मौत की सूचना भी है, क्योंकि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो 3 लोगों की मौत की सूचना दे रहे हैं कि 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है, बाकी 17 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। घायलों की संख्या बढ़ी हुई है। फिलहाल पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके हिसाब से 17 ही घायल बताए जा रहे हैं, उपचार किया जा रहा है और जो मृतक हैं उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन कानपुर में एक बड़ा हादसा रामनवमी के दिन हुआ है। देखिए, ये फतेहपुर से दर्शनार्थी थे, 2 पिकअप पे ये लोग आ रहे थे और दोनों पिकअप में करीब 20-20 लोग बैठे हुए थे। जो पिकअप पलटी है उसमें लेडीज बैठी हुई थी और ये गाड़ी डिसबैलेंस हुई है चालक की वजह से और जिसकी वजह से पिकअप हो गई। हम लोग तत्काल, हमारे एसीपी चकेरी, हम लोग तत्काल यहाँ पे आए हैं। 3 लोगों की डेथ हुई है। ये लोग बारा देवी माँ का दर्शन करने के लिए फतेहपुर से निकले थे। दुखद घटना हुई है। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जो लोग यहाँ पे आए हैं उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए। 6 लोगों को हेलेट रेफर किया गया है हॉस्पिटल पे, वहाँ पे डॉक्टरों को बता दिया गया है। यहाँ पे मैंने डॉक्टर से बात की है, बाकी लोगों की सीरियस नहीं है, लेकिन 6 लोग जो रेफर किए गए उनको हेड इंजरी है और हम लोगों का प्रयास यही है कि अच्छी से अच्छा इलाज मिले ताकि बाकी लोगों का। भी कई घटना हो चुकी है इसको लेकर, कई बार गाड़ियाँ चलती हैं और फिर ऐसी घटना हो रही है, इस पर क्या कहना? देखिए, अभी ये इलाज का समय है, अब इसमें वहाँ से किस पोजीशन में लेके आए थे या बात है देखा जाएगा। अभी हमारी प्रायोरिटी ये है कि जो घायल है उनको इलाज अच्छे से अच्छा हो सके, ये हमारी प्रायोरिटी। कितने लोगों की मौत है सर? 3 लोगों की डेथ हुई। कानपुर में हुए इस भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों ने जहां अपनी जान गंवा दी है, तो वहीं लगभग 2 दर्जन लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अगर हम बात करें तो 17 ही घायल हैं जिनका अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।